कहिए कैसे हैं आप। इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, आज के समय में हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, चलिए आप ही बताइए हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। आपके मन में यही आ रहे होंगे जब आपकी ऑफिस जाना है, ये काम है, वो काम है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर रहना है, कमेंट्स करने हैं, लाइक करना है किसी की पोस्ट को, दोस्तों से गप्पे मारनी है, मैसेजेस करने हैं, 100 तरह के काम। पर अपनी सेहत, उसका क्या? उसको तो हमने कहीं बेचारे को पीछे रखा हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जो मैं प्राथमिकता की बात कर रही हूँ ना, वो ये है कि हमारी सेहत हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। पर हम उसके बारे में सोचते ही नहीं, ओवर बर्डन किए जाएंगे काम की, टेंशन की, और उससे क्या होता है, तबियत खराब, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बीपी बढ़ना, मतलब 10 तरह की प्रॉब्लम्स होती है। मैं कोई डॉक्टर बन के नहीं आई आज, पर मैं, मुझे महसूस होता है। अभी थोड़े दिन पहले योगा दिवस गया, उससे पहले कितना जोर शोर था, कितना हल्ला था, पर अब फिर पार्क्स खाली पड़े, कोई नहीं आता, वही इक्का दुक्का जो पहले आते थे वही आते। तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है अपनी जिंदगी में, इस चीज को समझना होगा। मतलब हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे दो दो चार चार घंटे लगा देते हैं, फ्रेंड्स से गप्पे मारने में, पिक्चर जाने में, सब चीजें जरूरी है, इस बात की मनाही नहीं है। पर अगर हम अपनी सेहत पे 10 मिनट 15 मिनट लगाने की बात करते हैं तो समय नहीं है, ध्यान बढ़ जाता है, नहीं 15 मिनट बैठना पड़ेगा, नहीं 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 15 मिनट भागना पड़ेगा, नहीं 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 टाइम ही नहीं है, मरने तक की फुर्सत नहीं है, ये डायलॉग्स होते हैं हमारे। असल में ये सारी भूमिका बांधने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी कि घर में ना गेस्ट आए हुए थे कल, तो आज सुबह जब मैं उनके लिए बैटरी लेके गई रूम में ना, तो वो जमीन पे आती पाती मार के बैठी हुई थी जो गेस्ट थी, और चुपचाप बैठी हुई आंखें बंद करके। तो मैं उस समय तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बाहर आ गई, तो 10 मिनट बाद वो भी बाहर आई, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो मेडिटेशन कर रही थी। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, मैंने कहा चलिए आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि जितना मैं उनको जानती हूँ वो ना पहले बहुत, जैसे होते ना गुस्सेल और चिड़चिड़े और हर बात में इरिटेट होने वाली थी, पर अब की बार जो मैंने उनमें फर्क महसूस किया, तो उनके एक अजीब सी ना स्माइल थी चेहरे पे, मतलब जैसे होते ना एकदम शांत, वो चीज उनकी खत्म हो गई थी। मैंने उनका अनुभव जानना चाहा, उन्होंने बताया कि पहले तो उनको भी जानकारी नहीं थी, पर जैसे इसके बारे में पता लगा, जानकारी हुई, तो उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया और अब उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैंने कहा कि चलिए आप भी बताइए, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस तो बताइए। तो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया तो वो इस तरह से है कि उन्होंने कहा कि ना मैं 15-20 मिनट रोज निकालती हूँ, वैसे तो कोई भी टाइम कर सकते हैं इसको, पर सुबह का टाइम बेस्ट होता है क्योंकि पेट भी खाली होता है, माइंड फ्रेश होता है, तो सुबह का टाइम बेस्ट है। उन्होंने बताया कि बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, बस इसमें जरूरी क्या होता है कि हमारी जो बैक है वो सीधी होनी चाहिए एकदम, और फिर आंखें बंद करके, और हमें ना अपने अंदर सोचना चाहिए। और बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे पहले तो लंबी सांस लेके छोड़े, और फिर सांस पे अपनी जो हमारी सांस बाहर आ रही है, जो हम अंदर ले रहे हैं उस पे कंसंट्रेट करना है, जो हम सांस बाहर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो इस चीज पे कंसंट्रेट करना। अच्छा, थोड़े टाइम बाद उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में ना माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है, जैसे एकदम से अरे ये क्या बोर सी चीज है, मेरे का ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, इस तरह की ना डाइवर्शन आती रहती है माइंड में। पर जो दिमाग है उसको कंसंट्रेट करना, उसको इधर उधर भटकने नहीं देना। शुरू में एक दो बार जरूर टाइम लगता है, और हमें ना ये भी नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट बैठना, 20 मिनट बैठना, स्टार्टिंग में 2 मिनट 3 मिनट से स्टार्ट करते हुए 5 से 10 मिनट तक का इसका मैक्सिमम टाइम होता है, और इस पे करना चाहिए अपने जो ध्यान है, जो हमारी मेडिटेशन है, वो अपनी पूरी सांस पे रहे कि हमारी सांस अंदर है, बाहर आ रही है, हम बाहर ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, इस तरह से हमारी कंसंट्रेशन, जो एकाग्रता है ना, वो बढ़ती जाएगी। इससे ना बहुत फर्क पड़ता है, पर फर्क तब पड़ता है जब हम रेगुलर हों। आमतौर पर ना कई बार लोग ये कहते हैं कि एक बार हमने मेडिटेशन किया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, एक बार में नहीं पड़ता, कम से कम हफ्ता 10 दिन अगर हम इसको करेंगे ना, तब फर्क पड़ना शुरू होगा और हमारे को अंदर से अच्छा महसूस होना शुरू होगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हमें रेगुलर रहना चाहिए। कुल मिला के तो ना इसको आदत बना लेना चाहिए कि हमने सुबह उठ के फ्रेश होके खाली पेट एक बार बैठना ही है, अपना एक चेहरे पे हल्की सी स्माइल लेके बैठना है, और सांस को मतलब ध्यान में रखते हुए अलग अलग इमेजिनेशंस भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मेरी जो गेस्ट आई थी वो बोल रही थी कि मैं ये अभी इमेजिनेशन ये कर रही थी, मेरी इमेजिनेशन ये चल रही थी कि ना बहुत अच्छा मौसम है और मैं पहाड़ पे हूँ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और फूलों की खुशबू आ रही है, तो वो चीज मेरे अंदर भर गई थी। तो
कुल मिला के मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा महसूस होता है, इसलिए हमें, जैसे मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी कि थोड़ा समय 5 से 10 मिनट अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, खुद को फ्रेश करने के लिए अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए। तो जरूर सोचिएगा इस बारे में। कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव भी रहिए। और अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बाय।